नमस्कार भाइयों, और क्या चल रहा है? योर टकला इज बैक। आई मीन मजा आ जाता है इसे देख के। ओके, तो भाई सभी लोगों को शाउट आउट, जिनको भी मुझे देना है मैं उनके कमेंट्स में जाके लिख दूंगा शाउट आउट है। आप लोग उन्हें जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट्स में, प्लीज आप लोग जाइएगा जरूर जो भी देख रहा है। ओके, लेट्स गो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में हम लोग जाने वाले हैं नेदर वर्ल्ड में। एक्चुअली मैं ऑफलाइन गया था नेदर वर्ल्ड में, और वहां पे मेरे को पिगलेंट्स ने काफी ज्यादा, मैं पिगलेंट्स के साथ ट्रेड करने वाला था, मेरा ट्रेड होल रेडी था। मैं कहा विलेजर, नॉर्मल विलेजर के साथ मैं ट्रेड कर चुका हूँ, एंड आई वॉज लाइक यार पिगलेंट्स के साथ भी ट्रेड कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा नेदर में जाके उन्हीं के जितने भी सारे जो नेदर इंगेट्स, नेदर वो मिलते हैं हमें स्क्रूज टाइप, उनको लेके उन्हीं को बेच देंगे। और ये चालाकी करने का मेरे पॉइंट में मन था कि मैं करूँगा, पर घासलैंड एंड स्केलेटन्स ने पेल दिया भाई, बहुत गंदा मारा, नंगा करके मुझे वापस भेज दिया है। आप देख सकते हो बैड और वो सब लगा है, नंगा करके मुझे वहाँ भेज दिया कसम से। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्योंकि आपको पता है पिगलेंट से बचने के लिए आपको गोल्ड की कोई चीज़ ना चीज़ पहननी होती है। आप बूट्स पहनोगे वो नहीं छोड़ेंगे, आपको मारेंगे, मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा फिर मैंने पूरा आर्मर ही पहन के मैं चला गया, एंड तब उन्होंने कुछ नहीं किया। गार्ड्स ने वहाँ आके ऐसा डंडा मारा मुझे, क्या बताऊँ। लेकिन अभी वहाँ पे मेरा सामान गिरा हुआ है, एंड मेरी इन्वेंट्री इतनी खाली रहे मुझे पसंद नहीं है। तो आई वॉज लाइक चलो यार चलते हैं, चलो फटाफट से एक काम करते हैं, मेरी इन्वेंट्री खाली रहे ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैं कहा एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं और जाके अपना सारा सामान वापस लेके फिर सक्सेसफुली पिगलेट्स के साथ ट्रेड करेंगे। लेट्स गो। ओके, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके भाइयों, कैमरा एंगल चेंज हो गया। अब देखो, अब मेरे पास देखो, मैं लेके कुछ भी नहीं जा रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं जा रहा हूँ भैया, पर बहुत बहुत हार्ड है वहाँ पे मेरे को सर्वाइव करना। आई वॉज लाइक यार बहुत 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 मुश्किल है। अब देखो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो स्केलेटन्स घूम रहे हैं भैया, उन्हीं से तो लफड़े हैं, असली असली लफड़े उनसे और घास से। अब देखो ये मारना शुरू कर देगा। एक तो सैंड पेन, देखो देखो ये देखो, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये चीज की मैं बात कर रहा था, दैट्स व्हाई मैंने बेड के ऊपर अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट बना रखा था। बहुत दिक्कत है भैया। अब एक काम करते चलो, अब आपको दिखाता हूँ अपना सीक्रेट रास्ता, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना एडिस्टन लेकर चलते हैं ताकि वहाँ पे मैं एक निशानी बना सकूँ। चलो लेट्स गो, दोबारा से चलते हैं, पीछे से जाके सामान लेकर आना पड़ेगा हमें। और फिर गोल्ड नगेट्स हैं वहाँ पे, लगभग एक स्टैक भर के गोल्ड गोल्ड इंगेट्स नगेट्स जो भी कहो आप उन्हें, है वहाँ पे एक स्टैक भर के, जो कि मैंने गिरा दिया है, मतलब मेरे से छीन लिया गया है। बस अब वहाँ पे गाया बना हुआ वो सामान, मेरे को बहुत सारा सामान है। ओके लेट्स गो। अब देखो यहाँ से मैंने ये रास्ता मैंने बनाया है ताकि मैं डायरेक्ट पीछे जा सकूँ, मेरे को स्केलेटन्स का सामना ना करना पड़े। अब स्केलेटन्स वहाँ पे इतने क्यों हैं मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, फोर्ट्रेस कैसे मिलता है यार? मेरे को मिल नहीं रहा फोर्ट्रेस मेरे नेदर वर्ल्ड में, भगवान कसम कितना घूमा हूँ मैं भाई फोर्ट्रेस के लिए, क्योंकि मुझे नेदरराइट का आर्मर बनाना है। उसका एक पार्ट तो आप लोग दे चुके हो, जहाँ पर मैंने नेदर इंगेट्स एंशिएंट डेब्रीज इकट्ठा किए थे, पर अब मुझे नहीं मिल रहा। मैं इतना नजदीक था। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं यहां पे लगाते हैं निशानी। कसम से भाई कभी कभार लगता है कि अपनी सबसे बड़ा गधा है। एक निशानी यहां लगा देते हैं ताकि अपना कभी भी अपन जैसे दूर से देखना हो तो अपने को ये हिस्सा दिख जाए। इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेवल्स लगा रहा हूँ, एडिस्टन है ना ये, ठीक है बस इतने बहुत हैं। ओके लेट्स गो, यहां से कूदूंगा, दर्द तो होगा पर कहाँ गिर रहा हूँ और कहाँ पत्थर लग रहे हैं। चलो अब ये तो दर्द है यार, जीवन का सबसे बड़ा दर्द यही है। ओ भाई यार ये इनसे मेरे को आंखें नहीं मिलानी, इन्होंने भी बहुत मारा है, जबकि देखता तक नहीं हूं मैं इन्हें, तब भी ये लोग मुझे मारते हैं भाई, पता नहीं क्यों, पता नहीं कायला मारते भाई। आ गई उस कुत्ते की आवाज आ गई मुझे। एक मिनट, आराम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओके लेट्स गो, यहाँ पे शायद हम लोग सही जगह आए हैं। हाँ हम लोग सही जगह आए हैं। ओके ओके, धीरे धीरे बाल माँ होले होले चलना, ओ हो हो हा हा हा, ये देखो मुझे क्या हो रहा है। ओके अब यहाँ पे भाई ये देखो, उसे मैंने देख, उसकी आंख तक नहीं देखी है मैंने, उसकी आंख कैसे मेरे से मिल गई।
यार क्या है, क्या है ये? मेरे को नेदर का बताओ यार, नेदर में कैसे सरवाइव करते हैं अपन? मेरे को नेदर का प्लीज बताओ। आप लोग पूरा डिस्क्रिप्शन भर दो मेरे ख्याल से, मतलब मेरा वो भर दो पूरा कमेंट बॉक्स कि नेदर में मैं कैसे कैसे सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा दिमाग खराब। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, रुको, अपन सामने से ही हमला करेगा, देखते हैं। ये ला, वाह, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मेरे ऊपर छोड़ना मत कुछ भी, मैं हाथ से इसका वापस कर सकता हूँ। ये अपने ऊपर ही क्यों फेंक रहा है? वाह, एक तो आग, एक तो पोर्शन नहीं बना सकता ना, क्योंकि फोर्ट्रेस मिल नहीं रहा है। वो रहा, मेरा सामान मिल गया। लेट्स गो भाई, प्लीज, आग, मिल गया सामान, तो मिल गया है। कैसे? लकड़ियां तक नहीं है मेरे पास, स्टिक्स भी नहीं है मेरे पास। मेरा जो स्टिक वाला जो फार्म है जो यहां पर है, यहाँ कहाँ है? वो रहा, बहुत दूर है यार, एक मिनट पीछे जाना पड़ेगा मुझे। चलो छोड़ो, अब हाँ मैं बताऊँ, मेरा जो फार्म है अभी, ये यार ये तंग करेगा, रुको मुझे पता है ये बीच में डंडा कर देगा। हाँ ओके, जान दो इसे, लेट्स गो। ओके, मेरा जो ट्री वाला फार्म है वो काम करने के लिए मेरे को कई सारे सैपलिंग्स चाहिए। वो अरे यार मैं क्या बोलूँ, मेरे को सामान वापस नहीं मिल रहा है, मैं ट्रेड कैसे करूँगा? चलो फिर मैं ये लास्ट ट्राई आपके सामने करता हूँ, बाकी फिर मैं अपना ऑफलाइन ट्राई करता हूँ, ताकि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना खिंच जाए, वरना तो सारा दिन तो इसी में निकल जाएगा मेरा। ओके, आराम से भाई, बेटा, हाँ धीरे धीरे, बस। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एक बार ये सामान ले लूं। आ जा बेटे, आ गया मजा है। एक मिनट, चला गया क्या वो? ओके, लेट्स गो, सारा सामान ले लो। एक मिनट, यहाँ पे मेरी कुछ वो भी पड़ी है। हाँ ये पड़ा सामान, ये रहा। भाई साहब ये क्या है, यहाँ पे पिगलेट्स कहाँ से आ गए? यहाँ तो होते ही नहीं है, वो ज़ॉम्बी वाले होते हैं, ज़ॉम्बी पिगलेट्स होते हैं, वो कुछ नहीं करते। ये आई होप आप लोग 2 मिनट रुकोगे, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आपसे फिर मिलता हूँ, ठीक है? ओके भाइयों, तेल लगाने गया वो सामान, वो पिगलेट ने पहले तो जो एक स्टैक भर के जितना भी गोल्ड था वो पिगलेट ले गया, और जो सामान मिला था वो गैस टियर ने मुझे फोड़ के लावा में गिर दिया। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, मैसेजेस, हाँ ये रहा, पता नहीं, छोड़ो यार। ओके, अब मेरा प्लान सीधा सा है कि हम लोग पहले यहाँ से सामान थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं, एडमिन लकड़ी और थोड़ा सा वो इकट्ठा कर लेते हैं, एंड अपनी ग्रेवल, अपनी पिकैक्स बना के वहाँ पे जितना भी गोल्ड मिलता है वो सबको लेके ट्रेड करेंगे विद पिगलेट्स, ताकि हमें कुछ ना हो। पता नहीं वो लोग क्या सामान देंगे, लेट्स गो, चलो डू इट माई सेल्फ। बहुत यार, एक मिनट, अरे यार लकड़ी तो यहाँ पे भी पड़ी है, रुको यहीं से ले लेता हूँ लकड़ी, 2 लकड़ी चाहिए बस, 1, 2, 3 पिकैक्स बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे को कुछ चाहिए नहीं, अपन तो इतने में ही खुश है भाई, सच बता रहा हूँ। इतना उन्होंने इतना सर दर्द कर रखा है कि क्या ही बोले भैया, मैं क्या ही बोलूँ। देखो बस, मुझे कोई देखो ही मत, क्या कह रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करो आप लोग सबसे पहले। अब देखो मैं इतना सारा बना के लेकर आया हूँ, स्टोन की स्वॉर्ड, स्टोन, क्या कर रहा है यार, सामने देख तो ले मेरे पास क्या है। लेट्स गो, चलो सामान एक काम करते हैं, पहले मैं ये जितना भी स्टोन का ज़्यादा मैं लेके नहीं जाऊँगा, ताकि मेरा नुकसान भारी भरकम नुकसान ना हो जाए, और स्टोन की ये तो ले जा सकता हूँ, ये रख देता हूँ यहाँ पे स्टोन, क्योंकि मुझे चाहिए होता है, और 3 पिकैक्स लेके चलता हूँ और 2 एक्स लेके चलता हूँ, मतलब 2 तलवारें लेके चलता हूँ, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। ओके, मेरे पास गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। नेदर फोर्ट्रेस, अच्छा मेरे को मतलब बायोम बता सकते हो आपकी? नेदर फोर्ट्रेस इस बायोम में ज़्यादातर मिलता है,
बायोम भी नहीं पता है मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस भी ढंग की नहीं है भाई उसकी। वो देखो, वाओ आशिकी, लेट्स गो। देखा आ गया, वो आ गया बेटे, धीरे मत चल, धीरे मत चल, हाँ तेज चल, थोड़ा सा तेज चल लौंडे। अच्छा पहले मुझे यहां से गोल्ड इकट्ठा करके एक हेलमेट बनाना पड़ेगा गोल्ड का। भाइयों तुम देख रहे हो, तभी तो पिगलेंट्स के सामने जा सकता हूं मैं, वरना वो मुझे फिर नंगा कर देंगे, सामान लूट लेंगे मेरा। लेट्स गो, अब मैं ढूंढ लेता हूँ सामान, अगर मेरे को मिलता है तो फिर मैं आपको संपर्क करूंगा, तो वेट एंड वॉच। और जब तला सब्सक्राइब करो आप लोग। एक ऐसे एरिया में आए हैं, ओके अब हम ऐसे एरिया में आए हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर पिगलेंट्स नहीं मिलते हैं एज पर माय, ये क्या था, ओके एज पर माय स्टडीज ये बायोम है फॉरेस्ट बायोम, इसमें मैं अभी पहले कुछ टाइम पहले ही आया था, और ये एरिया उतना एक्सप्लोर्ड नहीं है मेरे से। भाई ये यार ये लोग मुझे पसंद नहीं है कसम से, वैसे ही मेरे जिंदगीवन में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, पर कोई बात नहीं, आप लोग सब्सक्राइब बहुत अच्छे स्पीड से कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो ताकि मुझे मिलती रहे मेरी पावर। ओके यहाँ पे है गोल्ड के कुछ, कितने मिल जाएंगे इससे, मेरे ख्याल से दो बनेंगे। भाई देखो इसको दिक्कत हुई, इसको दिक्कत हुई, पर लेट्स गो, क्या ही बोलूं मैं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो अपने हाथों में, कोई बात नहीं है। जैसे जैसे मुझे पहले उसकी भी आदत नहीं थी, क्या बोलते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में भी आदत नहीं थी ज़ॉम्बीज़ और इन सब से लड़ने की, धीरे धीरे मैं मास्टर कर लूँगा इस चीज़ों पे, मास्टर कर लूँगा, उम्मीद है मुझे, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है सर। मत देखो इसकी आँख में, ये वरना आँख आँख कर देगा ये पूरी मेरी। क्यों ऐसे डर दे रहा है यार, ये पास से गुजरता भी है ना तो मैं खौफ जगद हो जा रहा हूँ अचानक से ही, कि ये मेरे पास से क्यों गुजर रहा है। ओके मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेट्स गो लेट्स गो। देखा एंडरमैन को दिक्कत हुई है, इस कमीने को दिक्कत हुई है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ गया ये, कहाँ गया कहाँ गया, रुक जाओ भाई 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 भाई, यार इतनी मेहनत करिए प्लीज यार, मत कर डंडा, लो पिगलेट्स आ गए, मत करियो प्लीज, मत करियो प्लीज 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 प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट डू एनीथिंग। मैं क्या बोलूं मैं, ये क्या मतलब है यार, दिमाग खराब हो गया। बताओ ये ट्रेड करने के चक्कर में मेरा, मैं पिले जा रहा हूँ। देखो वैसे तो मेरा गोल्ड बहुत खर्चा हो चुका है, अभी रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले से बहुत पिछला जो वीडियो था जिनमें मैंने गोल्ड के करीबन 12 ब्लॉक कुछ रखे थे अपने पास, वो 12 के 12 ब्लॉक सब नेदर में जा चुके हैं, और वहां की वजह से मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। चलो आप लोग सब्सक्राइब करो बस, ठीक है जस्ट रिलैक्स, ये टकला मैं रिलैक्स होने के लिए ही हुआ हूँ, रिलैक्स। ओके चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, ये एंडरमैन का जो लट्ठा मारेंगे किसी दिन, जिस दिन मौका मिलेगा, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना कमेंट करना, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, मैं एंड करूंगा पिगलेंट्स के साथ ट्रेड करूंगा, बड़ा आसान है वैसे तो, एक बार मैं अपने ही वर्ल्ड से सारा गोल्ड इकट्ठा करके आर्मर आर्मर्स के कुछ मेन स्पेसिफिक आर्मर इक्विपमेंट्स हेलमेट और चेस्ट बना लेता हूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार नेदर में जाके उनके साथ ट्रेड कर सकूं। मैंने सुना है कि वो ट्रेड करने पे काफ़ी अच्छी आपको पिकैक्स और एनचांटेड बो और ऑप्सीडियंस भी देते हैं, बट ऑप्सीडियंस मेरे को चाहिए नहीं, बट हाँ ऑप्सीडियंस देते हैं, ब्लैक कोल ब्लैक वो देते हैं, बहुत कुछ देते हैं वो लोग, मैंने सुना है ऐसा, एनचांटेड भी देते हैं काफ़ी सारा, तो उनसे जाके लेना है। तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना, फोर्ट्रेस का बता देना कि फोर्ट्रेस कहाँ मिलता है, बाकी शाउट आउट जिनको भी देना होगा मैं कमेंट में जाकर उनको बोल दूंगा कि भाई आप जाके सब्सक्राइब करो, आप लोग कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए।